आप सभी को सलाम जोहार नमस्कार। आज कर्नाटका हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है हिजाब पहनने वाली लड़कियों के शिक्षा के अधिकार को लेकर के, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हम लोग इस बात से चिंतित हैं कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में हिजाब पहनने वाली लड़कियों के शिक्षा के अधिकार को की रक्षा नहीं की। ये एक संवैधानिक अधिकार है और इस संवैधानिक अधिकार की रक्षा करने में कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट चूकता हुआ नजर आया है। और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करते हैं, और इसमें महिला संगठन भी हैं, ढेर सारे लोकतंत्र पसंद लोग हैं, और एप्वा और भाकपा माले भी है इस अपील को करने में, कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जरूर होगी, इस जजमेंट का अपील जरूर पहुंचेगा, लेकिन अपील की सुनवाई से पहले ही सुप्रीम कोर्ट तुरंत ही बिना एक भी मिनट गवाए कर्नाटका हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर स्टे लगा दे। वो इस वजह से क्योंकि कर्नाटका हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर की वजह से ही पहले से ही जो हिजाब पहनने वाली मुस्लिम छात्राएं हैं, छात्राएं ही नहीं जो अध्यापिकाएं भी हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं, भेदभाव की घटनाएं, इस सारे में बढ़त हुई है। तो अगर कर्नाटका हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर से सांप्रदायिक तत्वों को इतना बल मिला, इतना अन्यायपूर्ण, इतनी सारी अन्यायपूर्ण घटनाओं को अंजाम दिया गया, तो सोचिए कि इस ऑर्डर से और कितना बल मिलेगा। और इसकी वजह से इस पर स्टे लगाना जरूरी है, क्योंकि ये देखा गया कि छात्राओं को ही नहीं बल्कि हिजाब पहनने वाली महिलाओं को, अध्यापिकाओं को स्कूल कॉलेज के गेटों पर रोका गया, उनसे जबरन हिजाब उतरवाया गया, उन्हें बेइज्जत किया गया उतरवा करके जबरदस्ती गेटों पर, पब्लिक में, सबके सामने। और इतना ही नहीं, छात्राओं को क्लास में बैठने से रोका गया है, यहां तक कि एग्जाम देने से अभी रोका जा रहा है। तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो चलती रहेगी, लेकिन तुरंत इन हिजाब पहनने वाली छात्राओं को एग्जाम लिखने दिया जाए बिना किसी झंझट के, बिना किसी झमेले के, इसको सुप्रीम कोर्ट तुरंत इंश्योर करें। और इसके साथ साथ कर्नाटका से बाहर भी अन्य राज्यों में भी उपद्रव शुरू हुआ है हिजाब पहनने वाली महिलाओं के खिलाफ, सो इस उपद्रव को भी बल न दिया जाए और सुनवाई चलती रहेगी, लेकिन तुरंत इस ऑर्डर पर रोक लगे। अब ऑर्डर पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो देखेगी, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट के इस जजमेंट में जो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत ही मुख्य बातें थी बहस में, उसे एक तरह से नज़रअंदाज किया गया है, या उसके साथ बहुत न्याय शायद किया नहीं गया है। सबसे पहली बात ये कि जो संदर्भ है इस पूरे बहस का, कि कोर्ट के सामने ये मामला आया क्यों। मामला तो इसलिए आया है क्योंकि हिजाब पहनने वाली महिलाओं ने हिजाब पहनने का निर्णय लिया और यूनिफॉर्म को नहीं माना, इसकी वजह से नहीं आया है ये बात। क्योंकि कर्नाटका के किसी भी एक भी कॉलेज में नियम में कहीं नहीं लिखा गया था पहले, इससे पहले, कि हिजाब पहनना मना है। बल्कि कुछ कॉलेजों में तो बाकायदा नियमों में लिखा गया था कि आप यूनिफॉर्म के रंग का हिजाब पहन सकते हैं, जैसे सिख लड़के जो है वो यूनिफॉर्म के रंग का पगड़ी पहन सकते हैं, या सिख लड़कियां जो हैं वो यूनिफॉर्म के रंग का दुपट्टा पहन सकती हैं वगैरह, ठीक है, सर ढक सकती हैं। तो ये बहस इसलिए शुरू हुआ क्योंकि हिंदू वर्चस्ववादी संगठनों ने इस पर बहस खड़ा किया और जबरन कहा कि इनको रोकना होगा, हिजाब पहनने पर रोक लगे, उनके दबाव में कॉलेजों स्कूलों ने रोक लगाया और इस रोक के खिलाफ अपील कोर्ट में पहुंची। तो पहली बात तो ये कि सवाल ये नहीं है, कोर्ट ने तो कह दिया कि भाई हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, एक अभिन्न हिस्सा नहीं है, और हिजाब न पहनने से इस्लाम टूट कर गिर नहीं जाएगा। लेकिन कोर्ट के सामने शायद ये सवाल मुख्य सवाल नहीं था। कोर्ट के सामने तो, और हम सबके सामने, देश के सामने मुख्य सवाल ये है कि क्या हिजाब पहनने वाली लड़कियों को, छात्राओं को, क्लास में बैठने देने से, एग्जाम लिखने देने से, अपने पगड़ी पहने हुए, कलावा पहने हुए,
तमाम चीजें, क्रॉस पहने हुए, बिंदी तिलक पहने हुए, जो भी पहने हुए हिंदू सिख ईसाई बच्चे हैं उनके साथ में पढ़ने दिया गया, तो क्या स्कूल गिर जाएगा, कॉलेज गिर जाएगा, भारत की शिक्षा नष्ट हो जाएगी? 75 साल से जो चलता आ रहा है पर उसे बदल दिया जाए ना जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, टूट के गिर जाएगा इस मिनट? ये असली सवाल था। और ऐसा करने से, हिजाब पहनने वाली लड़कियों को रोकने से भारत के लोकतंत्र को क्या खतरा है, इन छात्राओं की शिक्षा को क्या खतरा है, इनके शिक्षा के अधिकार को क्या खतरा है, इस पर बात थी, इस पर सवाल था। इस सवाल का सीधा सीधा जवाब एक तरह से दे नहीं पाई है कर्नाटका हाई कोर्ट। और इसमें सवाल था, सवाल एक रूपता का नहीं था कि एक रूपता चाहिए, सवाल इक्वालिटी का था, यानी समता का। और तो समता का सवाल और समानता एक रूपता का सवाल अलग है, समता का सवाल था, यानी सभी लोगों को, जो भी जिस भी धर्म से आप आते हैं, आपके साथ भेदभावपूर्ण रवैया ना हो, सवाल ये था। लेकिन इस सवाल, यानी उसका सिंपल मामला ये है कि अगर सिख लड़के पहन सकते हैं पगड़ी वगैरह वगैरह, हिंदू लड़के लड़कियां पहन सकते हैं, धागे पहन सकते हैं, जनेऊ पहन सकते हैं वगैरह वगैरह, अलग अलग जाति धर्म के सूचक पहन सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हिजाब पहनने वाली लड़कियों को आप क्यों कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म के साथ आप नहीं पहन सकते? असली मामला तो ये है। लेकिन यहां पर कोर्ट ने ये कह दिया कि देखिए, हमारे देश में यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्मिटी होता है, और यूनिफॉर्म का मतलब यानी एक रूपता होता है, या सब समान, समानता होता है। और अगर हमने यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने दे दिया तो ये एक रूपता टूट जाएगी। लेकिन भारत के यूनिफॉर्म की नीति में, स्कूलों में, कॉलेजों में कभी एक रूपता तो रही नहीं, एक रूपता की बात ही नहीं थी। यूनिफॉर्म सब बच्चे पहनते थे, लेकिन यूनिफॉर्म के साथ लोग अपने धर्म को स्कूल के गेट पर, कॉलेज के गेट पर बाहर चप्पल की तरह छोड़ करके तो अंदर नहीं चले आते थे, बल्कि अंदर धर्म के साथ वो बैठ सकते थे अपने क्लासों में और सब कुछ। तो बार बार याद दिला रहे हैं कि सिखों का जो की जो पगड़ी है, बात ये है, ये बात है ही नहीं कि सिखों के लिए पगड़ी कितना अनिवार्य है कि नहीं है, क्योंकि अगर आप एक रूपता की बात कर रहे हैं तो सिखों की पगड़ी एक रूपता के साथ तो मेल नहीं खाता है, उसे एक रूपता को तोड़ता है। उसी तरह से हिंदुओं का कलावा या हिंदुओं का जो भी है जनेऊ वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें भी तो, या सिंदूर, मंगलसूत्र, जो भी कहिए, ये सारी चीजें भी तो कोई एक रूपता के साथ तो मेल नहीं खाती ना। उन सब चीजों को जब आप अलाउ कर रहे हैं, उस पर आप कोई बैन नहीं लगा रहे, तो सिर्फ हिजाब पर क्यों बैन लगा रहे ये? और इसमें कोर्ट ने एक और बात ये कही, उनके सामने ये याद दिलाया गया था उनको कि साउथ अफ्रीका के एक कोर्ट ने, साउथ अफ्रीका के एक स्कूल ने रोका था एक हिंदू लड़की को अपने नाक में नथनी पहनने से, और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट, साउथ अफ्रीका के कोर्ट ने कहा था कि आप, अदालत ने कहा था कि ये स्कूल ने जो किया वो ठीक नहीं किया, और नथनी उसका, उसकी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है उस बच्ची का, वो बच्ची पहन सकती है, उससे क्या होगा, उसे पहनने दीजिए। ये बात, इस बात पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि अब देखिए, विदेश की बातें अब वो रहने दीजिए, लेकिन जहां तक बात है नथनी की, नथनी तो इतनी छोटी है, वो तो आंखों के लिए, माने बहुत आंखों के लिए बहुत छोटी लगती है। अब ये कहां की संवैधानिक भाषा हो गई, इस संवैधानिक कोई बात ही नहीं है, इसमें संविधान से क्या लेना देना है कि कोई चीज छोटा है कि कोई चीज बड़ा है, आपकी आंखों में, किसी खास इंसान के आंखों में गढ़ रहा है कि नहीं गढ़ रहा है। सवाल तो ये है कि आपकी सांस्कृतिक परंपरा के साथ जो भी मेल खाता है, वो बिंदी हो, छोटी बिंदी हो सकती है, बड़ी बिंदी हो सकती है, कान के, कान में छेद हो सकते हैं, कान में छेद नहीं हो सकते हैं, वो नाक में छेद हो सकता है, नथनी हो सकती है, नहीं हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों को अगर आप, कुछ चीजों को जायज ठहरा रहे हैं किसी भी आधार पे, आपको लगता है आपकी आंखों में नहीं परेशानी हो रही आपको, तो आपको जो है हिजाब से क्या परेशानी हो रही है, और उसे अलाउ कर देने से किस आधार पर आप रोक रहे हैं किसी को पहनने से, सवाल तो ये पैदा होता है जिसका ठीक जवाब नहीं दिया गया। बाकी डॉक्टर अंबेडकर की एक बात का
काफी गलत उपयोग हुआ है इस जजमेंट में। तो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था कि हिंदू मुस्लिम दोनों में महिलाओं को लेकर के बहुत सारी गलत प्रैक्टिसेस हैं, गलत चीजें हैं, लेकिन उसमें खास उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के साथ जो पर्दा व्यवस्था है, वैसे देखा जाए तो कुछ हिंदू समुदायों में भी था, राजस्थान में देखा जाता था वगैरह, तो पर्दा व्यवस्था में महिलाएं सामने नहीं आएंगी और वो पर्दे के पीछे रहेंगी, घर के अंदर रहेंगी, बाहर नहीं आएंगी और दूसरे लोगों के साथ, खास करके मर्दों के सामने नहीं जाएंगी। ये नियम था। तो उसमें उन्होंने कहा कि पर्दा व्यवस्था जो है वो मुस्लिम महिलाओं को बाहर जाकर के सामाजिक राजनीतिक जीवन में भागीदारी से, स्कूलों में जाकर के, कॉलेज जाने से, वहां शिक्षा ग्रहण करने से वो एक तरह से उनको रोक रहा है और उनको अलगाव में डाल रहा है और इसलिए वो उनको कमजोर किया जा रहा है इस तरह से, इसलिए वो ठीक नहीं है। इसका उपयोग किया है जजमेंट ने ये कहते हुए कि जो उन्होंने पर्दा प्रथा के बारे में कहा, याद रखिए उन्होंने हिजाब के बारे में या सर के ऊपर सर को साड़ी के पल्लू से ढकने से जो पर्दा है वो, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कपड़े के बारे में कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने पर्दा प्रथा के बारे में कहा जिसमें महिलाओं को अंदर रखा जाता है। तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को अलगाव में डालने, उनके साथ उनको बाहर जाने से रोके जाने के खिलाफ जिस बात को कहा, उसमें उसका उपयोग कोर्ट ने किस तरह से किया है, इस तरह से किया है कहने के लिए कि भाई जो पर्दा के लिए उन्होंने कहा, पर्दा प्रथा के लिए, उसी को हम हिजाब पर लागू अगर करते हैं तो हिजाब पहनना जो है वो उस पर रोक लगाने से लड़कियों को शिक्षा प्राप्ति होगी और उनको अलगाव से बचाया जाएगा। ये कहां की बात हो गई भाई, यहां पर लड़कियां बाहर हैं, वो हिजाब पहन करके बाहर जा पा रही हैं, पूरी भागीदारी कर पा रही हैं, आंदोलन कर पा रही हैं, अपनी बात कह पा रही हैं, मीडिया से बात कर पा रही हैं, सब कुछ कर पा रही हैं, पढ़ाई लिखाई कर रही हैं और वो पढ़ना चाहती हैं, स्कूलों में जाना चाहती हैं और आप डॉक्टर अंबेडकर की बात का इस्तेमाल करके उनको जाने से रोक रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे कि अलगाव में मत डालिए, अंदर मत रखिए, बाहर जाने दीजिए और पूरे समाज में घुलने मिलने दीजिए। आप जो है उनको कह रहे हैं कि आप या तो घर लौट जाइए, हिजाब पहनना चाहती हैं तो घर लौट जाइए, घर में बैठिए, और नहीं तो आप अलगाव में ही आपको हम डालेंगे, आप अलग जाकर के किसी अलग ऐसे स्कूल कॉलेज में पढ़िए जहां पर हिजाब पहनने की इजाजत हो, हो सकता है वो मुस्लिम कोई संस्था हो, वहां अलग जाके पढ़िए, हिंदू मुस्लिम सिख बच्चों के साथ आप नहीं पढ़ सकते। इस बात को आप कह रहे हैं तो अलगाव में डाल आप रहे हैं, स्कूलों कॉलेज में एंट्री से आप रोक रहे हैं और उसमें आप वापस चार दीवारी में भेज रहे हैं या अलगाव में भेज रहे हैं। तो इसमें डॉक्टर अंबेडकर की बात का अर्थ का अनर्थ निकाला गया है और उसमें ठीक उल्टा इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा कि शबरीमला जजमेंट का भी उपयोग कुछ कोर्ट ने इसी तरह से कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि देखिए शबरीमला जजमेंट में तो ये कहा गया कि दलितों के साथ भेदभाव यानी मंदिर में घुसने से रोकना या महिलाओं को मंदिर में घुसने से रोकना, ये धर्म के संवैधानिक जो अपने धर्म को मानने और उसे प्रैक्टिस करने का जो अधिकार है उसके साथ ये मेल नहीं खाता है, उसको संवैधानिक तौर पे हम नहीं बचा सकते। तो भाई शबरीमला में महिलाएं कह रही थी कि हमें रोका जा रहा है महिला होने की वजह से मंदिर में घुसने से, दूसरे भी जजमेंट्स थे जहां मस्जिद में घुसने से रोके जाने की बात की गई या दरगाह में, वहां पर कोर्ट्स ने कहा कि नहीं नहीं आप इस तरह से भेदभाव नहीं कर सकते, आपको घुसने देना होगा सबको, हिंदू वो महिला हो पुरुष हो जो हो, आपको घुसने देना होगा, आप भेदभाव नहीं कर सकते इंसानों के साथ में। ठीक, तो जहां पर मंदिर में घुसने के अधिकार वाला जजमेंट है उसका इस्तेमाल आप अभी कर रहे हैं क्या करने के लिए, स्कूलों कॉलेजों में लड़कियों महिलाओं को घुसने से रोकने के लिए, क्यों, क्योंकि वो हिजाब पहनी हुई है, ये कहां की बात हो गई। तो अगर शबरीमला में घुसने का अधिकार है महिलाओं को महिला होने के बावजूद, तो भाई स्कूलों कॉलेजों में ये हिजाब पहन करके महिलाएं लड़कियां क्यों नहीं घुस सकती। आप जो है वो महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ इस चीज का इस्तेमाल, उसी जजमेंट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं जो कि महिलाओं लड़कियों के अधिकार को बचाने के लिए जजमेंट दी गई। तो मेन मामला ये है कि
हम लोग इन हिजाब पहनने वाली लड़कियों के साथ हैं, हम सारी उन लड़कियों महिलाओं के साथ हैं, सारी उन लड़कियों महिलाओं के साथ जिन्होंने जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपने पसंद से कपड़े पहनने के लिए और एक इज्जत से जीने के लिए इस सोसाइटी में, और खुल के मतलब सभी जगह उनके जाने के लिए, उनके प्रवेश के लिए हम लड़ रहे हैं। अब आप जीन्स पहनने के लिए आप कॉलेज में प्रवेश रोकिएगा तो हम आपके साथ हैं, हम उस महिला के साथ हैं। आपने किसी अगर अगर जबरदस्ती किसी से कहा जा रहा है कि आप हिजाब पहनिए और ना पहने, हिजाब पहनिए या पर्दा करिए, माने आप पल्लू रखिए, सर ढकिए और फलाना कपड़ा पहनिए, ये हिंदू संस्कृति है या ये मुस्लिम संस्कृति है, उसका आप मानिए, नहीं मानेंगे तो हम आपको आपके साथ भेदभाव करेंगे। अगर कोई संस्था, कोई धार्मिक संस्था ऐसा करती है तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे और महिलाओं लड़कियों के इंसानों के अधिकार के साथ खड़े होंगे जिसके साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर तो भेदभाव सीधी बात है कि हिजाब पहनने वाली लड़कियों को अगर आप पढ़ने देंगे तो इसमें नुकसान क्या है, ये कोर्ट में एक शब्द भी नहीं लिखा कि भाई नुकसान क्या है, स्कूलों को क्या नुकसान है, कॉलेजों को क्या नुकसान है, समाज को क्या नुकसान है। बात सिर्फ इतना है कि आप बहाना कुछ संगठन, कुछ राजनीतिक लोग तलाश रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव करने के लिए। तो इस भेदभाव के खिलाफ हम बोलेंगे और हम बिल्कुल कहेंगे कि आप यूनिफॉर्म भंग नहीं होता, अलग अलग संस्कृति या धर्म मानने वाले लोगों को अपने अलग अलग बातों के साथ रहने। आखिरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, हम लोग ये मानते हैं कि स्कूलों में याद रखिए कि एकरूपता बहुत खतरनाक चीज होती है, बच्चों को एकरूपता सिखाना पूरी दुनिया में गलत माना जाता है इसको, और इसलिए कोर्ट में जो एकरूपता यूनिफॉर्मिटी वाली बात कही गई है वो बहुत ही खतरनाक है। देखिए बच्चों को बल्कि ये सिखाने की जरूरत है कि आपसे अलग जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो रंग में अलग हो सकते हैं, वो धर्म में अलग हो सकते हैं, समाज उन्हें अलग अलग जातियों का या नस्लों का मान सकती है, लेकिन इंसान है सब। आप लड़का लड़की में हो सकता है अंतर कर रहे हो, ट्रांसजेंडर बच्चा आपसे अलग हो सकता है, LGBT बच्चा आपसे अलग हो सकता है, लेकिन अलगाव की वजह से, अलग भाषा, अलग पहचान, अलग संस्कृति, जो भी हो, उन सारे अलग अलग होने की वजह से आपको उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे होंगे स्कूलों में जो कि शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उनका बनावट अलग हो, और उस अलग बनावट की वजह से आप उनके साथ भेदभाव करें, उनका मजाक उड़ाएं, ये गलत है। तो इन सारे एक तरह से इतने सारे बहुत्व का, इतने सारे अलग अलग जो रूप हैं उसका, उसको स्कूलों में उसको समझने, उसको उसकी इज्जत करने, उसका इज्जत करना, ये सिखाना चाहिए। इसके ठीक उलट अगर एकरूपता सिखाने लगे हमारे देश के अदालतें भी और स्कूलों भी और पूरा मतलब सब कुछ, तो ये बहुत ही गलत होगा, भारत के साथ काफ़ी अन्याय होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को न्यायपूर्ण तरीके से समझ पाएगी और हिजाब पहनने वाली जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो अध्यापिकाएं हैं, जो छात्राएं हैं, उन सब के संवैधानिक अधिकार शिक्षा ग्रहण करने का, शिक्षा प्रदान करने का, उन सारे अधिकारों को बचाएगी। इस उम्मीद के साथ आज हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे शेष करते हैं।